अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे जगह बदल गई, लोग बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। भाई नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ। बाकी सीन इस तरह है कि सुबह वाला व्लॉग मैं आज ही अपलोड करा था, तो वो व्लॉग अपलोड करते साथ ही मैं निकल आया पेशावर के लिए, क्योंकि कल है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त का जो असल मजा है वो तो पेशावर में ही है, गाँव में क्या होता है। मेरे को जानता नहीं है ये। उसका जो ब्लॉग था वो जिस जगह पर बनना चाहिए था, मैं वहाँ से पंजाब से केपीके आया हूँ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। सिर्फ 14 अगस्त का ब्लॉग शूट करने के लिए। और ये मेरे साथ है कजन मेरा, जो मेरे साथ अम्ब्रेला वाटरफॉल के ब्लॉग में भी था। क्या नाम है भाई आपका? हसनैन नाम है। और ये 3 दिन के ब्लॉगों में मेरे साथ रहेगा। छड्डो जान दो, चलते अपने ब्लॉग की तरफ। चलो भाई, तो आज का सीन कुछ इस तरह है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा। और आज गर्मी भी यार हद से ज़्यादा गर्मी थी। पीछे अटक तक आया ट्रेन में, मगर उससे आगे हमें फिर लोकल आना पड़ा क्योंकि ट्रेन निकल गई थी। तो यार इतनी गर्मी, ऊपर से ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बड़ी माड़ी हालत थी। तो मेरा वैसे मूड यही था कि ब्लॉग में 14 अगस्त का शूट करना था, मगर यार हसनैन बता रहा था कि यहाँ पर 13 अगस्त की नाइट भी बड़ी सेलिब्रेशन होती है पेशावर सिटी में। तो यार मैं जब आया ही ब्लॉगिंग के लिए, तो फिर रेस्ट क्या करना, रेस्ट जाकर कर लेंगे। तो जिस काम के लिए आए हैं वो हम पहले करेंगे। तो आज इंशाल्लाह का सीन इस तरह होने लगा है कि यार आज हम जाएंगे पेशावर के सिटी में, और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर उन्होंने 14 अगस्त के रिलेटेड डेकोरेट किया हुआ होता है, तो वो सारे सीन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ घर में, ज़रा पानी वगैरह पीता हूँ, तो चलते हैं। तो यार ब्लॉग का मज़ा लेने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाकर सब्सक्राइब कर दो पहले। A few moments later. तो यार फाइनली अभी मैं चाय वगैरह पी है, बड़ी सा थोड़ी सी भूख वगैरह लगी हुई थी। तो एक तो कसम से यहाँ पर पेशावर आओ ना, मेरे दोनों मामू इतना करते हैं कि क्या बताएं। मैं आज तक मुझे नहीं याद कि यहाँ पर मैंने आकर पेशावर मैंने दाल या सब्जी खाई हो। तो यार इतनी डिशेज। मगर फिर भी हमारा ये सीन होता है कि अब्दुलरहमान भी हमारे साथ आता है, चैनल का हमारे MD साहब भी हमारे साथ जब आते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है घर में हम चाहे जितनी मजे की डिश बनी हुई हो ना, हम वो खा कर बाहर का जाकर जरूर खाते हैं। तो अभी वही सीन है, चल रहे हैं अभी बाइक पर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। सीन इस तरह कह रहा आज का ना व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 1x पे, क्योंकि वैसे मैं जो व्लॉग शूट करता था वो होते थे डे टाइम के, तो आज का जो है वो नाइट टाइम का है, तो इसलिए मुझे एक कैमरा जूम करके व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। बाकी अभी इस तरह है कि हम बाइक पे जा रहे हैं, मैं हूँ, हसनैन है, और क्या है, हम जाते हैं कुछ बर्गर वगैरह का सीन करते हैं कुछ, और बड़े दिनों से गाँव में समोसे खा के पक गया हूँ मैं। हेलो जी, तो यहाँ पर अभी हम आए हैं, हसनैन ने बोला कि यार बर्गर अभी फिलहाल नहीं खाते क्योंकि अभी हमने दही भले खाए हैं घर में, तो कैफ साहब की फरमाइश में फिर हम यहाँ पर आए हैं। ये फ्लेवर लगे हुए हैं, मगर भाई साहब के कहना था कि यार ब्लूबेरी वाला सबसे मज़े का है ये वाला, तो अभी ये रेडी हो रहा है। ये जी अभी ब्लूबेरी आ गया, अभी इसको टेस्ट करते हैं। लेट मी चेक। हाय हाय सुपर यार, कसम से पैसे बुरे हो गए। अच्छा एक बात है यार, मैं सेविंग करता हूँ मगर जब शावर आता हूँ तो वो मेरी सारी सेविंग वाड़ी जाती है, तो मैं यहाँ आता ही चीज़ों खाने पीने के लिए, तो अच्छा सा आ गया। बाकी स्नैन बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात कही है यार। बाकी प्रेसिडेंट साहब, MD साहब और तला, यार बहुत मिस कर रहे हैं आपको, काश आप भी हमारे साथ यहाँ पर आ जाते। बहुत मिस कर रहे हैं। अपना ना बहुत ऊंचा सा नहीं कसमें। तो यार अभी हम बाहर निकले थे, मगर बाहर निकलते गई बड़े मामू की कॉल आ गई है, तो वो बोलते हैं सोहेब बाहर से कुछ मत खाना पीना, घर में उन्होंने फिश लाई है, तो वो कह रहे हैं रेडी है, तो आप लोग घर में आ जाओ खाना खाते हैं। तो बाकी यार ये भी ख़त्म हो गया, चलते हैं घर ही। हसनैन अभी इसे फेंक दो यार, इसमें कुछ नहीं है। खाना शाना खा लिया, तो चल रहे हैं जिस सीन के लिए हम आए हुए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किला बालेसार जा रहे हैं। 12 होने लगे हैं और फिक्स 12 बजे जब 14 अगस्त होती है तो रात में बहुत ज़बरदस्त आतिशबाजी का सीन होता है, और मैं नहीं चाहता कि वो सीन मैं मिस कर दूँ। तो बाकी हम चलते हैं मीट माई मामू जान। यार जी
अम्ब्रेला वाटरफॉल वाला बस आपको याद आ गया होगा। और बाइक की अबू को लेने गए थे आज, मैं तब भी मुलाकात करवाई थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी तीसरी बार मुलाकात हो गई है। हाँ, अभी मैं 3 दिन यहीं पर हूँ मामू के साथ, घूमूंगा फिरूंगा पिशावर, तो आपको देखने को मिलेंगे सब आपको पिशावर इंशाल्लाह, जितना हो सका सारा कवर करेंगे। तो ये रहा जी वन एंड ओनली माई कजन स्नैन और ये कैब साहब आ गए। तो अभी हम चल रहे हैं, 11:15 हो गए हैं और यहाँ पर वैसे इतना दूर नहीं है, मगर मामू बोल रहे हैं वहाँ पर आज इतना रश है, इतना रश है। एक साइड पे पीटीआई बना रहे, एक साइड पे पाकिस्तान। सही बात है, अच्छा मैं एक साइड पे पीटीआई का झंडा बनवाऊंगा और एक साइड पे पाकिस्तान का। सही है। It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a agency. Deta asrat manfi. Tujhme dar hai, I can sense it. Left you bloody just in menses. Fuck around till you come to your senses. My future or to past tenses. La jawab, you do not have the answers. Tum jaise Afghanistan mein Americans. Yaar check karo, abhi main aapko dikhata hu Hasnain. Oh bhai saab, pure Pakistan ke naksha bana diye yaar. Khud bhi joker ka banaya hua tha, isko bhi kharab kar diya. Acha abhi cab ki bari hai. Bhai cab is tarah karwa raha hai. Isse hi karwa. Kis tarah karwaoge? Na pura na insaan ba. अच्छा इसका भी साइड में बस थोड़ा हल्का हल्का। तो भाइयों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक भाई देसी गुंडा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल अकाउंट को जरूर मारें। इंशाल्लाह जी गुड हो गया, थैंक यू। मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पर ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ वो जगह आपको। इधर देखो, दस मिनट के बाद पर यहाँ पर जो सीन होगा वो देखने के लायक होगा। हम सब यहाँ पर पंजाब से आए हैं सिर्फ ये सीन देखने के लिए, हम पंजाब से आए हैं और स्पेशल कैमरे से रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाएंगे। और अभी सिर्फ 2 मिनट रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह गया, उसके बाद यहाँ पर जो सीन होगा वो देख।
मजा आया। A few moments later. भाई साहब यार क्या आतिशबाजी थी यार, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा कभी भी फायरवर्क नहीं देखा लाइव। मैंने वैसे वीडियोस में बहुत देखा हुआ था बट यार कसम से कमाल हो गया लाइव, आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अभी कैमरे में मैंने शूट किया, आप सब लोग कैमरे में देखोगे बट यार वहाँ पे खड़े होकर वो सारी साउंड जो आता था। भांजे को सपोर्ट करें आप लोगों, यार मामू आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, आपने से आए आप यहाँ पे ब्लॉग, चले ठीक है वो तो मैं आया हूँ मगर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने 12 बजे रात को मुझे वहाँ पर लेकर गए। इतना रश था मैं आपको बता नहीं सकता, अभी 1 का टाइम हो रहा है, 12 बजे से हुआ था तो अभी 1 हो गया, हमारा घर बिल्कुल पास था मगर वहाँ पर पूरा पेशावर आया हुआ था और पेशावर के अलावा मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, पेशावर के अलावा और इतनी आवाम आई हुई थी कि यार मजा आ गया। लोग आते हैं तो यार कसम से एंजॉय इतना किया, एंजॉय इतना किया कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इतना ज़बरदस्त और क्या बना कर रखा हुआ है, पर यार सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो अभी हसनैन को भी ये हमने फुल पाकिस्तान का नक्शा इसके भी किया हुआ है, तो मेरा साहब को तो पसीने के साथ मिट ही गया मगर मैंने नहीं छेड़ा, अभी तक मेरा सलामत है। तो यार अभी कल क्या व्लॉग आप वेट करना, मैं यहाँ पर आज पहुँचा हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था मगर मैं वेट किया गया यार, मैं वहाँ पर जाके ये वाला व्लॉग मैं मस्ट बनाऊँगा, अभी कल फिर जाऊँगा। अभी रात मैंने जाकर इस व्लॉग की एडिटिंग करके और ये मैंने सुबह तक अपलोड करना है और बाकी मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप बनाए हैं, कोशिश यही होगी कि सारे क्लिप मैं इस व्लॉग में इंक्लूड कर सकूँ। तो कल वाला व्लॉग आप लोग मस्ट देखना, वो इससे भी फंटास्टिक होगा। तो बाकी यार कसम से बहुत चस्सा ही है। तो ठीक है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल, तो टेक केयर, सी यू, बाय। इट्स योर बॉय, या 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 या, पुल अप ऑन यू लाइक ए जेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट।